हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी टॉक अबाउट एक्सरसाइज 12.1 एंड दिस इज द कोट ऑफ द डे। नाउ लेट्स स्टार्ट। आवर चैनल इज वी विल सक्सीड एंड माय नेम इज आदित्य शर्मा। कोट ऑफ द डे, इट इज ड्यूरिंग आवर डार्केस्ट मूवमेंट्स डेट वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट। अगर हमारी जीवन में अंधकार छा जाता है तो हमें लाइट पर फोकस करना चाहिए। जब आपके जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं तो आपको उन मुश्किलों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दिस इज द कोट ऑफ द डे। नाउ लेट्स मूव स्टार्ट 12.1। ओके, दिस इज द एक्सरसाइज 12.1। नाउ लेट्स मूव। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और इन केसेस में हमें वेरिएबल्स, कंसोनेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशनों का यूज़ करना है और इन्हें सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। हमें वाई को जेड में से माइनस करना है, यानी वाई माइनस जेड। ओके, अगला क्वेश्चन है सेकंड। वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई, यानी कि वन हाफ और सम ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, अगला है द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी कि जेड मल्टीप्लाई जेड होगा हमारा जेड स्क्वायर। ओके, अगला है सेवन्थ वाला समझा देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाई एंड जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो हमारा जो प्रोडक्ट है नंबर है वाई और जेड का, उसे माइनस करना है हमें 10 में से। तो चलिए करते हैं, यानी 10 माइनस वाई मल्टीप्लाई जेड। ओके, तो यही करना था हमें इसमें कि जो वाई में से वाई का मल्टीप्लाई करना है और 10 माइनस प्रोडक्ट ऑफ जेड मल्टीप्लाई बाई वाई। ओके, ये हमारा आंसर होगा। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और जो क्वेश्चन मैंने नहीं समझाए हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में आंसर टैप करके दीजिएगा। अगला है हमें टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो द टर्म एंड फैक्टर्स बाय ट्री डाइग्राम की मदद से हमें ये फैक्टर्स जो हैं शो करने हैं। तो चलिए करते हैं, मैं पहला पार्ट समझा देता हूँ। एक्स माइनस थ्री, अब एक्स माइनस थ्री से करते हैं। ओके, चलिए करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3। ओके, तो ये था हमारा ट्री डाइग्राम। ओके, एक और बनाते हैं। चलिए 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 और इधर हो जाएगा हमारा x और इधर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में यहाँ पे हो जाएगा हमारा x और इधर भी हो जाएगा हमारा x। ओके, तो ये बनेगा हमारा दोबारा से ट्री डाइग्राम। अगला मैं लास्ट वाला पार्ट बता देता हूँ। माइनस के ए बी प्लस टू बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। ये जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनमें से हमें टर्म्स और फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो चलिए करते हैं। पहला ही ले लेते हैं माइनस के 4x प्लस 5। इसमें देखिए, इसमें हम देख सकते हैं टर्म्स जो होंगे वो होंगे माइनस के 4x और 5। ओके, और फैक्टर्स जो होंगे वो माइनस के 4x और 5। ओके, ये हो गए हमारे फैक्टर्स, टर्म्स एंड फैक्टर्स। अगला है हमारा टर्म और फैक्टर में बी कर लेते हैं। माइनस के 4x और प्लस के 5y जो हैं वो हैं हमारे टर्म्स एंड फैक्टर्स जो होंगे माइनस के 4x और 5y, ये जो होंगे हमारे फैक्टर्स होंगे। ओके, तो इसी प्रकार से करने हैं आपको। एक और समझा देते हैं ई पार्ट, पी और क्यू। और हमारा क्यू जो है ये हैं हमारे टर्म्स एंड फैक्टर्स जो होंगे हमारे पी कॉमा क्यू और क्यू।
ओके, इसी प्रकार आपको बाकी पार्ट्स करने हैं। एक है हमारा जी वाला पार्ट, समझा देता हूँ मैं, 3/4x, और हमारा है प्लस 1/4, तो इसमें जो है वो होगा हमारा 3/4x, और 1/4 जो है वो हमारा होगा टर्म्स। ओके, एंड देन हमारा जो 3/4x और 1/4, ये जो है हमारे, ये हैं फैक्टर्स। ओके, तो इसी प्रकार आपको और सारे करने हैं। मैं थर्ड बता देता हूँ, आइडेंटिफाई न्यूमरल्स एंड कोफिशियंट ऑफ टर्म्स अदर देन कॉन्स्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कॉन्स्टेंट को हटाकर हमें न्यूमेरिकल और कोफिशियंट टर्म्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। पहले ही ले लेते हैं 5 - 3t². ओके, तो इसमें होगा हमारा माइनस के 3t² और कोफिशियंट होगा -3। ये हो गया न्यूमेरिकल और ये हो गया कोफिशियंट। ओके, ये हो गया कोफिशियंट, ये हो गया न्यूमेरिकल। एक और ले लेते हैं, चलिए सेकंड वाले में 1+t + t² + t³। तो इसमें जो है वो होंगे हमारे t² t³, इनमें जो होंगे हमारे कोफिशियंट 1, 1, 1। ओके, ये होंगे हमारे। देखिए, जब भी अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन दे गई होगी तो इसमें ये देखिए 3 के साथ t है, यानी इसका कनेक्शन मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई को ध्यान में रखते हुए हमने 3t² बोला। ओके, ये हमारा न्यूमेरिकल बन गया। अब हमें कोफिशियंट में पूछूं तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 को सेपरेट कर देंगे, 3 सेपरेट हो जाएगा तो वही हमारा कोफिशियंट बन जाएगा। यानी कि आपको न्यूमेरिकल में आप वेरिएबल हटा दीजिए। ओके, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है मल्टीप्लाई में उसे आप ले लीजिए, और कोफिशियंट बोलें तो कॉन्सोनेंट आप समझिए, और कॉन्स्टेंट के जो है जैसे 3, 1, 2, 3 हैं वह है, आप अलग सेपरेट आउट कर दीजिए। ओके, अगला है हमारा पार्ट जो है वो है हमारा फोर्थ वाला, 100m और 1000n। ये जो है ये हैं न्यूमेरिकल, कोफिशियंट होंगे हमारे 100 और 1000। ओके, एक और ले लेते हैं हम फिफ्थ पार्ट, -p² और q² और 7pq। ओके, तो इनमें ये जो है हमारे न्यूमेरिकल बन गए। अब इनमें से मैं कहूँ कि भाई कोफिशियंट कौन से होंगे, तो कोफिशियंट में देखिए -pq और 7pq, इसमें देखिए माइनस का है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई कॉन्स्टेंट दे नहीं गया है तो 1 ही मान लेते हैं, माइनस का है तो माइनस लिख लिया। ओके, और 7pq में 7 जो है वो हमें पता है कॉन्स्टेंट है, तो 7 इसमें हो गया। तो इस प्रकार से आपको करने, देखिए इसका सिंपल सा बात जो है वो है कि न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल लिखने हैं, वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई में वैल्यू है वो भी लिख देनी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कोफिशियंट क्या है, तो कोफिशियंट में आप कॉन्सोनेंट लिख दीजिए, और जो वेरिएबल है उसे आपको नहीं लिखना, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो चाहे वो किसी और कंडीशन में हो। लेकिन जब वह कहे कि आपका जो है न्यूमेरिकल है एक्स फाइंड आउट करना है, और जैसे 7x है तो इसमें जो है अब से कोफिशियंट पूछा जाए तो आप उसे 7 कहेंगे। ओके, और न्यूमेरिकल तो एक्स है ही है, तो इस प्रकार से आपको करने होते हैं। ये वाला पार्ट बता देता हूँ, 7x और xy² इसमें देखिए यही जो है न्यूमेरिकल हैं, और इनमें कोफिशियंट पूछे तो 7 तो हो गया 7x का, और xy² का हो गया 1। ओके, इस प्रकार आपसे आपको करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, फोर्थ, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव कोफिशियंट ऑफ एक्स। देखिए मैंने पहले बताया था एक्स वाला कह रहा है तो एक्स वाले ही लेंगे, ओनली एक्स। अब फर्स्ट पार्टी ले लेते हैं y² x, केवल यही होगा हमारा न्यूमेरिकल। ओके, केवल यही होगा, पूछिए क्यों, क्योंकि इसमें जो है आप देख सकते हैं एक y बचा है, और इसमें क्या कह रहा है, x पूछ रहा है, केवल x। तो यह आपको ध्यान में रखते हुए ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अब इसमें x की पूछ रहा था तो x को हम साइड में रख दें, तो क्या बचा हमारा y², तो यही हमारा कोफिशियंट हो जाएगा। एक और पार्ट कर लेते हैं, 13y², ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें x आ ही नहीं रहा है, लेकिन 8
वाई एक्स इसमें आ रहा है तो एक्स को साइड में रखिए और एट वाई जो है वो हमारा बन गया कॉफिशियंट और एक्स जो बन गया वो बन गया हमारा न्यूमेरिकल। अगला पार्ट कर लेते हैं। अगला पार्ट है सेवन एक्स और एक्स वाई स्क्वायर। तो देखिए इसमें तो भाई दोनों ही में एक्स आ रहा है तो दोनों ही न्यूमेरिकल हैं लेकिन एक्स को हटा दिया जाए तो देखिए सेवन इधर का और इधर टू ये दोनों जो होंगे वो कॉफिशियंट होंगे। तो इस प्रकार से आपको करने करते हैं। बी पार्ट बता देता हूँ मैं आपको। वाई स्क्वायर कॉफिशियंट है जो वाई स्क्वायर जो है वो आपको अलग रखते हुए कॉफिशियंट भी फाइंड आउट करने तथा एक्सप्रेशन के जो टर्म है वो भी आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला ही ले लेते हैं। पहला है एट माइनस एक्स वाई स्क्वायर। देखिए इसमें आप देख सकते हैं एट के साथ कुछ है नहीं तो एट तो होगा नहीं। वाई एक्स और वाई स्क्वायर देखिए एक्स को हम अलग रख देंगे। ओके एक्स इधर हो गया और वाई स्क्वायर इधर हो गया तो वाई वाई तो पूछा है तो वाई का कॉफिशियंट क्या होगा एक्स होगा। ओके तो इस प्रकार करने हैं आपको। और इसमें आप एक और चीज़ देखेंगे कि एट माइनस एक्स वाई है तो देखिए यहाँ पर जो माइनस है ये किसके साथ होगा ये एक्स वाई के साथ होगा। एट क्या होगा प्लस का होगा तो माइनस के जो है एक्स हो गया। ओके तो माइनस एक्स जो है वो हमारा आया। और आपसे पूछी जाए इसमें न्यूमेरिकल क्या होगा तो न्यूमेरिकल होगा हमारा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ओके इस प्रकार से आपको करने होते हैं। अगला पार्ट बता देता हूँ। सेकंड वाला फाइव वाई स्क्वायर। देखिए इसमें वाई जो है वो फाइव के साथ ही आ रहा है सेवन के साथ एक्स आ रहा है तो सेवन को हम लेंगे नहीं। तो देखिए मैंने क्या बताया था वाई स्क्वायर को अलग कर दिया तो फाइव का बचा हमारा कॉफिशियंट। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दिस इज़ द पार्ट वन है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा टारगेट है 10K सब्सक्राइबर का जिसे आप प्लीज़ पूरा करवाइए। थैंक यू।